Four. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन, ये चैप्टर खासा लेंथी चैप्टर है बेसिकली, लेकिन बाहर थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें है नहीं कुछ। जहाँ थोड़ा बहुत टेक्निकल आएगा हम उसको ग्राफ के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप चैट के अंदर काइंडली जरा यस और नो करते जाइएगा, जहाँ जहाँ मैं पूछूँ आपसे आप साथ साथ उसको यस नो करते रहिएगा। ओके तमाम स्टूडेंट्स, जो मुझे सुन पा रहे हैं वो चैट में साथ साथ यस और नो करते रहें, एंड इफ़ यू नीड टू टॉक टू मी तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, वैसे तो सब लोगों को आइडिया है ग्रोथ मीन किसी भी चीज़ में इंक्रीज होता है, किसी भी चीज़ का जो इंक्रीज है उसी को ही बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ है ये एक बड़ा स्टैटिस्टिकल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं। अगर किसी कंट्री की ग्रोथ को हमने बॉदर करना है तो हमें दो चीज़ों को, दो कंपोनेंट्स को एक्चुअली हमें बॉदर करना है। एक तो हमें ये देखना होता है कि उसकी जो रियल जीडीपी है किसी भी कंट्री का, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है रियल टर्म्स में, उसमें इजाफा हो। यानी कि किसी भी कंट्री का जो रियल जीडीपी है उसमें वो इजाफा हो, लेकिन साथ वो इजाफा ओवर द ईयर्स हो। अगर हम मंथली बेस पे ग्रोथ चेक करना चाहें तो ग्रोथ नहीं होती। लेकिन आप पिछले मंथ माह हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इतना रहा, अगले मंथ में उतना रहा, नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा ओवर द ईयर क्या है। तो अगर ओवर द ईयर्स आपका जीडीपी ग्रोइंग है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका ग्रोइंग है, तो इसका मतलब है कि आपकी इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, सर्विसेज ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना ही दरअसल इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप लोगों की जो कमेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में मिलने चाहिए मुझे। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो रिप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था इस सब्जेक्ट को पास करना, थ्योरेटिकल कोर्सेज को, आपको इंटरेक्टिव होना चाहिए। जितना इंटरेक्टिव होंगे तो आप इन्वॉल्व होंगे, तो वरना आपका क्रैमिंग बेस तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमने कई चैप्टर करके एमसीक्यू करके देखे, हमें आइडिया हुआ कि ये जब तक आपका इंटरेक्टिव नहीं होता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, तब तक तो पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बुनियादी तौर पर जीडीपी में इजाफा, और वो भी ओवर द ईयर्स, किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्शन पोटेंशियल होता है अगर वो इजाफा होता जाए लॉन्ग रन के अंदर, उसे इकोनॉमिक्स में हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन इस ग्रोथ के अंदर कुछ डिफरेंट एंगल से बात है। मतलब वो कहता है जी एडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ क्या क्या है। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जब ग्रोथ होती है तो क्या फायदा क्या होता है उसका। पहला फायदा है हायर लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, वहां पे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहां लोगों को ट्रेड मिलेगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज मिलेंगे, लोगों पे खर्च किया जाएगा, पीपल वुड हैव मोर बेटर हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज, तो लोगों की जिंदगियों में एक बेहतरी आएगी, लोगों की जो लाइफ पैटर्न्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, लोगों के जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट होंगे। अगर किसी कंट्री के अंदर इकॉनमी ग्रो कर रही है
ग्रोइंग इकोनॉमी है, इट मींस वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी. फिस्कल बेनिफिट. हेलो, फिस्कल बेनिफिट्स. फिस्कल अच्छा देखिए, एमसीक्यूज वाले जो पेपर होते हैं, जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होते हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि बुक को पढ़ा जाए. अगर बुक नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिंपल कॉन्सेप्ट्स के जरिए तो पेपर अटेम्प्ट नहीं ना होता. बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बुक बेस्ड होते हैं, हेडिंग बेस्ड होते हैं, पॉइंट बेस्ड होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. इसलिए प्लीज मेरे साथ साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करें. होपफुली आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर पाएंगे. तो एडवांटेजेस क्या हैं ग्रोथ के? ग्रोथ के एडवांटेजेस में सेकंड है एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट. जॉब्स मिलना शुरू होती है लोगों को. फिस्कल बेनिफिट का मतलब होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज. फिस्कल बेनिफिट मीन रेवेन्यू फॉर द स्टेट. जब कोई इकॉनमी ग्रोइंग होती है, जब कोई इकॉनमी डेवलप हो रही होती है, तो उस इकॉनमी बड़ी कॉमन सी ये बात है कि अगर इकॉनमी ग्रोइंग है, इकॉनमी डेवलप हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बिजनेस हो रहा है, लोगों को इनकम टैक्स जनरेट होगा, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स आएगा, सेल्स टैक्स आएंगे, वेल्थ टैक्सेस आएंगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस आएंगे. अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है तो एक्साइज ड्यूटीज मिलेंगी गवर्नमेंट को. तो ग्रोथ के, इकोनॉमिक ग्रोथ के ये वो बेनिफिट्स हैं जो किसी भी शक्ल में गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स बनते हैं. लेकिन अजीब बात ये है कि ग्रोथ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं. अब ये ज़हन में सवाल आना चाहिए कि ग्रोथ के ड्रॉबैक्स का क्या मतलब हुआ? व्हाई ड्रॉबैक्स? नंबर वन, एनवायरमेंटल फैक्टर. देखें, जब इकॉनमी ग्रो करेगी, जब डियर स्टूडेंट्स आई डोंट माइंड बट इट्स नॉट गुड कि चैट में यस और नो का कमेंट नहीं चलता आपका. आई डोंट वांट टू कंपेयर यू विद एनी अदर स्टैंडर्ड दैट एक्चुअली यू नो सम सॉर्ट ऑफ माइट एम्बैरेसिंग. लेकिन कुछ क्लासेज में पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा रिप्लाई चल रहा होता साहब, कॉन्टिन्यूसली यस नो यस नो का. ये स्टीरियोटाइप तो नहीं ना फायदा इसका कोई भी. इफ यू नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी देन आई नीड सम योर कॉमेंट्स, इंटरेक्टिव कॉमेंट्स. और मेरा ख्याल है कि आई टी टीम इनकी रिकॉर्डिंग्स बंद कर दें. भाई बुक शेयर हो चुकी है सर, बुक शेयर हो चुकी हुई है सर, बुक शेयर हो चुकी है. किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? आप किस दुनिया में रहते हैं सर? सेशन इज अबाउट टू ओवर, बुक शेयर हो चुकी हैं. नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर मैं आईटी टीम से रिक्वेस्ट करूं कि रिकॉर्डिंग्स बंद कर दें इनको देना, फिर शायद ये लेक्चर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शायद ये कल्चर ज़्यादा डेवलप हो गया हुआ है कि रिकॉर्डिंग ले लेंगे बाद में, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाद में. तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आईटी टीम से कह देता हूँ कि आप इनकी रिकॉर्डिंग्स को पॉज कर लें, या मैं अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ. क्यों स्टूडेंट, ये ठीक रहेगा रिकॉर्डिंग अगर पॉज कर दी जाए तो? क्यों, उससे क्या होगा? क्या ख्याल है जी, रिकॉर्डिंग से क्या होगा? रिकॉर्डिंग बंद होने से क्या होगा? लेकिन मुझे आइडिया है ना, मैंने बताया ना, आई एम टीचिंग ओवर द इयर्स. मुझे आइडिया है कि जहां जहां रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वहाँ वहाँ स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन थोड़ी सी लो होती है. चल इसको देखते हैं फिर, थोड़ा टाइम वेट एंड वॉच. अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे चैट बॉक्स में, देन इवेंचुअली आई हैव टू गो फॉर सम स्वेयर एक्शंस. उसमें एक तो मैंने बता दिया आपको
रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज करवा देंगे आपकी। ओके, एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, जब इकोनॉमी ग्रो करती है ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अगर कोई इकॉनमी इकॉनमी के ग्रो करती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है जी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ जाता है, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगी, पोल्यूशन ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो वहां एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन के इश्यूज भी डेवलप आना शुरू हो जाते हैं। गॉट इट? इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज का मतलब होता है रिच और पुअर का गैप बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जब इकोनॉमी ग्रो करती है बहुत तेजी के साथ तो इन्फ्लेशन तो होगा, तो इन्फ्लेशन के होने से जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, जो सैलरीड पर्सन है, जो डेली वेजेस वाला है, वो तो फर्दर पुअर होगा, और जो स्टॉकिस्ट होगा, प्रोड्यूसर होगा, वो और रिच होगा। तो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन रिस्क। अगर आपको याद हो डिमांड एंड सप्लाई, अगर ये आपको याद हो डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट याद है कुछ? उसमें क्या था? ग्रोथ में एडी इंक्रीज होता है, बताइए ग्रोथ में एडी इंक्रीज करेगा? ग्रोथ में एडी जब इंक्रीज करेगा तो प्राइसेस शूट करेंगी, एडी के इंक्रीज होने से प्राइसेस शूट करती हैं। इन्फ्लेशन का एक एलिमेंट, इन्फ्लेशन की एक रिफ्लेक्शन इकोनॉमी के अंदर आना शुरू हो जाती है। वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स ग्रोथ के साथ बढ़ जाते हैं। चले इसके लिए मुझे एक बात बताएं, रूरल एरियाज में, विलेजेस में, मे बी आप में से कुछ किसी का ताल्लुक विलेज के साथ हो भी, विलेज की लाइफ और अर्बन लाइफ इसमें कोई फर्क होता है? रूरल और अर्बन लोगों की लाइफ में कोई, लाइफस्टाइल में कोई फर्क होता है? कोई वर्किंग आवर्स में, कोई काम में, कोई भागदौड़ में कोई फर्क होता है? और सर हेल्थ डिफरेंस, हेल 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 डिफरेंस, मैं बिलीव यू मी खुद भी जाता हूँ विलेज, मेरे अपने विलेज है उस, वहां जाना होता है, वहां जाइए तो 2 से 3 दिन रहे ना ग्राम, 2 से 3 दिन ऐसे लगता है जैसे वक्त रुक गया है, इतना स्लो टाइम गुजरता है वहां पर, इतनी रिलैक्स लाइफ है वहां पर, आप आराम से चंद एक काम करते हैं, सुकून से चलते हैं, आराम से चलते हैं, घंटों बैठते हैं, काम आराम आराम से होते हैं। शहर में बिलीव यू मी, अब तो खुद कुछ मोबाइल के आने की वजह से और ये ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी आपकी जो फिजिकल मोबिलिटीज हैं वो कम हो गई हैं, वरना जब ये नहीं था फिजिकली इतनी मूवमेंट होती है, इस कदर मूवमेंट होती है कि आप एक लम्हे के लिए गुलबर्ग में, फिर आप मॉडल टाउन में, फिर आप इछरा में, फिर आप उधर रहें, फिर उधर रहें, तो भागम भाग लगी हुई है। फिर शहरों में चूंकि इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, पीपल नीड मोर इनकम टू सर्वाइव, तो दो जॉब्स करने का कॉन्सेप्ट, दो काम करने का कॉन्सेप्ट,
दो इनकम सोर्सेज का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है जी। प्योर जो है कार्बन, आप लाहौर को देख लें, आप कराची को देख लें, यहाँ पे लाहौर कराची खास तौर पे, इन जगहों पर तो एक काम करने का रिवाज ही खत्म हो गया। अब या तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करें, आपका जो बेटर हाफ है वो भी जॉब करें, इफ शी इज नॉट एंगेज तो आप फिर दो जॉब्स करें या दो काम करें, एक जॉब कर रहे हैं तो साथ को प्रॉपर्टी रेंट पे दें, कुछ ना कुछ आपका ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी होता है। जी एग्जैक्टली। तो ये एक इश्यू है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मसला है। तो ये कब होता है? जब इकोनॉमी और ग्रो करती है। जब इकोनॉमी और ग्रो करती है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स और बढ़ जाती हैं, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू वर्क मोर, इससे वर्किंग आवर्स जो होते हैं आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। गॉट इट? फिर ऑब्वियसली हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, ग्रेजुअली हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी ना फिर। जी आगे है बिजनेस साइकिल। किसी भी इकोनॉमी का जो ग्रोइंग पैटर्न होता है ना, याद रखिएगा, ये कभी भी लीनियर पैटर्न नहीं होता, याद रख लें क्लियर एक बात, कभी भी आपका जो पैटर्न है वो लीनियर नहीं होता, ये हमेशा फ्लक्चुएट होता है, आपकी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी इकोनॉमी स्मूथ नहीं चलती। तो जो इकोनॉमी की फ्लक्चुएशंस होती हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं जीडीपी के अंदर, कभी जीडीपी बहुत तेज से इंक्रीज करती है, कभी ये फॉल करती है, फिर ये इंक्रीज करती है, फिर ये फॉल करती है। तो इन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल कहा जाता है। चले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जरा यस नो कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट, अब जरा आप लोगों ने ये कोई 10 से 15 यस नो होने, आप यस और नो करेंगे। गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, तो उस एरिया में लोगों को काम मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों के पास इनकम होगी, इनकम होगी तो लोग कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसमैन इनकरेज होगा, प्रोड्यूसर इंकरेज होगा, प्रोड्यूसर इंकरेज होगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस एक्सपैंड करेगा, अदर सेक्टर्स में ग्रोथ शुरू हो जाएगी, अदर सेक्टर्स में इनकम जनरेट होगी, बाकी इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट होंगी, ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ओवरऑल इनकम इंक्रीज होगी, ओवरऑल ये सारी बातें सुनते जाएं साथ साथ के मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ओवरऑल इनकम इंक्रीज होगी, ओवरऑल बिजनेस एक्सपेंड करेगा, तो इससे इकोनॉमी क्या होगी, एडी शूट करता जाएगा, एडी शूट करता जाएगा, प्राइस लेवल इंक्रीज करता जाएगा। जब प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे,
जब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज में, सीमेंट इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हर जगह पर एडी इंक्रीज होगा। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो शूट करेगा, तो अल्टीमेटली फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। इस फेज को हम बोलते हैं बूम। जब इकॉनमी उरूज पे पहुंच जाए, जब इकॉनमी बूम पे पहुंच जाती है, इकॉनमी पीक पे आ जाती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉब्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमर्शियल रेवेन्यूज, ओवरऑल इकोनॉमिक पीक, इसको क्या कहते हैं, इस फेज को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इकोनॉमिक पीक बूम। अच्छा जी, अब जरा इसका वाइस वर्सा देखिएगा। जब इकोनॉमी इस हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है, तो हाईएस्ट लेवल पे आने के बाद फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाती है, क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट का मार्जिन रहता है? फर्दर इन्वेस्टमेंट का मार्जिन खत्म हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुकी है। तो जब फर्दर इन्वेस्टमेंट का मार्जिन नहीं होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट रोक लेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट रोकेंगे तो फर्दर जॉब्स क्रिएट होना बंद हो जाएंगी। बिजनेसमैन को थोड़ी सी फीलिंग आएगी, जॉब्स थोड़ी कम होना शुरू होंगी तो इनकम फॉल होना शुरू होगी, इनकम फॉल होना शुरू होगी, स्पेंडिंग फॉल होगी, स्पेंडिंग फॉल होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस फॉल करेगी, प्राइस फॉल करेगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे तो इन्वेस्टर डिस्करेज होगा, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट से इनकम फॉल करेगी, स्पेंडिंग फॉल करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज के अंदर स्लोली बट ग्रेजुअली एक डिक्लाइन आएगा, तो लोग थोड़े से स्केरी होंगे, लोग डर जाएंगे, लोग डरेंगे तो साइकोलॉजिकली लोग इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग रोक देंगे, लोग सेविंग की तरफ चले जाएंगे। जब सेविंग की तरफ जाएंगे तो इकॉनमी और स्लो डाउन होगी, इकॉनमी के जब बुरे हालात तरीन हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं ट्रफ या डिप्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इकोनॉमिक Collapse. तो क्या करें इस स्टेज पर आकर, इस स्टेज पे आके हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इकॉनमी डेड हो रही, बताइए इकॉनमी डेड होना शुरू हो जाएगी सर। इकॉनमी जब डेड होना शुरू होती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इकॉनमी को सपोर्ट करे? गवर्नमेंट, स्टेट, स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है,
कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट करे, इकोनॉमी को एक हेल्प दे। जब आप इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है खुद से। लोग कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर हमने इससे ज्यादा इकोनॉमी को गिरने दिया तो बाद में इकोनॉमी को उठाने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, एक छोटी सी मैं यहां पर रेफरेंस कोट कर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंफॉर्मेटिव है, बड़ा यूजफुल है, जरा तवज्जो सुनिएगा। In 2019, just one year ago, आपको आइडिया होगा, अक्टूबर नवंबर में चाइना में एक वायरल इन्फेक्शन हुई थी, रिपोर्ट, उसको क्या कहते हैं, कोविड कहते हैं इसलिए, चाइनीज ओरिजिनेटेड वायरल इंफेक्शनल डिजीज, ये चाइनीज ओरिजिनेटेड वायरल इंफेक्शन डिजीज, और आगे डैश के साथ 19 लिखा जाता है कि ये 19 में फर्स्ट टाइम अपेरेंट हुआ था। अब आप खुद सोचे, ये अपीयर हुई है 19 में, हमारे यहाँ पहुंची है ये मार्च में, फेब मार्च के अंदर, फिर ये पीक पकड़ गई, इसलिए इसको कोविड-19 भी कहते हैं। सर, कोविड-19 जब हुआ था चाइना में, तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होना शुरू हो गई, लोग डरना शुरू हो गए कि चीजें अनसोल्ड हो रही हैं, जब चीजें अनसोल्ड होती हैं तो प्राइस फॉल करती है, बताएं चीजें जब अनसोल्ड होंगी तो प्राइस फॉल नहीं करेगी। वो एक थोड़ा सा डाउन टर्न बना तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट रोक ली, इन्वेस्टमेंट रुकी, प्रोडक्शन रुक गई, प्रोडक्शन रुकी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, इनकम फॉल हो गई, इनकम फॉल हुई, कंजम्पशन फॉल हो गई, कंजम्पशन फॉल हुई, डिमांड फॉल कर गई, डिमांड फॉल हुई, इकोनॉमी डाउनटर्न में आ गई। एक तरफ लोग डर गए कि मैंने बाहर ही निकलना, लोग क्वारंटाइन हो गए, और दूसरी तरफ स्पेंडिंग रोक ली गई। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने क्या किया, ये मैं समझता हूं दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स, इनको ये बात सुननी और समझनी चाहिए कि चाइना ने क्या किया। चाइना ने फौरन अपने सेंट्रल बैंक से कहा कि अपना इंटरेस्ट रेट जीरो कर दो, इंटरेस्ट रेट जीरो कर दो। जीरो मीन लोएस्ट। फॉरेन स्टेट बैंक से कहा गया अपना इंटरेस्ट रेट लोएस्ट कर दो। दूसरी तरफ फॉरेन, जहां इकोनॉमी हर तरफ से बंद हो रही थी, लोग कोविड में टेंशन में थे, चाइनीज गवर्नमेंट ने, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद, सॉरी मे बी आई एम रॉन्ग, डेटा मुझे एग्जैक्ट नहीं, बट इतना याद है $100 बिलियन या $500 बिलियन, आई एम नॉट श्योर, सॉरी, बट $100 or $200 बिलियन के का गवर्नमेंट ने एक पब्लिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया फॉरन। अब खुद सोचें, अगर 100 या 200 या 500 बिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, कोई रोड बना दी, कोई डैम शुरू करवा दिया होगा, कोई प्रोजेक्ट 200 बिलियन 500 बिलियन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, ये दो काम गवर्नमेंट ने किए। एक कॉमन सेंस ये कहती है कि क्या यार, ये पागलपन है गवर्नमेंट का,
एक तरफ लॉकडाउन हो रहा है और आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया हमने, लॉकडाउन हो रहा है और प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप। ये कॉमन सेंस की बात थी कि ये गलत काम कर रहे हैं, कॉमन सेंस यही कह रही थी कि ये क्या बात की आपने, इतना बड़ा बिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। सर उन्हें ये पता था कोविड की वजह से ये लोग फिजिकली सरवाइव नहीं कर पा रहे, लेकिन जब ये लोग सरवाइव करेंगे, वापस आएंगे रिकवर होकर, इकॉनमी इस पोजीशन में नहीं होगी कि इकॉनमी इनको फीडबैक कर सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोग मर रहे हैं, इधर इकॉनमी मर जाएगी। उन्होंने दो काम किए, अब मैं आपको रीजन बताता हूँ दोनों की रीजन क्या थी। एक, गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को कहा 0% इंटरेस्ट रेट करो ताकि जिन लोगों ने बोरिंग करनी है वो बोरिंग ना रोकें, वो इस अट्रैक्शन को समझें कि यार चलो कोविड तो चल ही रहा है, 0% इंटरेस्ट रेट हो गया है, बोरिंग करते हैं। और दूसरी तरफ जो सेविंग करने वाले लोग हैं उनको डीमोटिवेशन मिले, डिस्करेज हो गए, यार 0% में हमने सेविंग नहीं करनी, हमने इसको किसी ना किसी कारोबार के अंदर ही लगाना है। एक काम तो ये गवर्नमेंट ने 0% करके ये किया कि सर्कुलेशन ऑफ मनी ना रुक जाए, कहीं लोग सारा पैसा बैंकों में रखना शुरू कर देंगे, बैंक क्राइसिस में आ जाएंगे। तो सर्कुलेशन करवाने के लिए इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया, इन्वेस्टमेंट को करवाने के लिए 0% इंटरेस्ट रेट कर दिया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने खुद अपना जी बढ़ा दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया। अब देखिए एडी लो डाउन हो रहा था सर, कोविड में एडी स्लो डाउन हो रहा था, गवर्नमेंट ने फौरन दो काम किए, एक 0% इंटरेस्ट रेट करके आई को जंप रखा, आई को डाउन नहीं आने दिया, और जी भी ऐड कर दिया अपना। तो जी और आई जब दोनों मिल गए तो एडी थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो गया। जो शार्प स्केलिंग बैक थी, जो डाउनटर्न एडी का बहुत फास्ट ट्रैक था, उसको थोड़ी सी स्पीड ब्रेक लग गई। तो गवर्नमेंट के ये दो काम, जी और आई, इसने क्या किया, एक स्पीड ब्रेकर का काम किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्पीड ब्रेकर आया थोड़ा सा। तीसरा इफेक्ट ऑटोमेशन पे आ गया, जब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए तो इनकम जनरेट हुई लोगों की, जब लोगों की इनकम जनरेट हुई लोगों ने स्पेंड करना नहीं छोड़ा, तो स्पेंडिंग से कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी होती रही। इस सारे के पैरेलल में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सारे के पैरेलल में गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए, लॉकडाउन किया, प्रॉपर लॉकडाउन किया। अब जब लॉकडाउन किया तो वो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई, हॉस्पिटल बना दिए, जो इफेक्टिव थे उनको क्वारंटाइन कर दिया, हॉस्पिटल में ट्रीट कर दिया, इधर अपना जी और आई को भी मेंटेन किया। चेक करें कितनी तेजी के साथ इकोनॉमी जो है वो उनकी रिवाइव कर गई। और इधर हम देखें, नो डाउट हमारा कंपैरिजन नहीं बनता चाइना के साथ, लेकिन सर ये जो हमने फुली लॉकडाउन नहीं किया 3 से 6 माह का, वो फुल लॉकडाउन ना करने की वजह से हमें दूसरा साल भी लॉकडाउन पे जाना पड़ रहा है, हमें दूसरे साल भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं जिन जिन कंट्रीज ने फुल लॉकडाउन नहीं किया। बहरहाल ये एक डिबेटेबल चीज है, नो डाउट हमारे अंदर, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे कुरतोगलू बैठे हुए, बहुत सारे दुनदार बैठे हुए, खुद से ही बहुत सारे हमारे गद्दार बैठे हुए, बहुत से डिसलॉयल इकोनॉमी के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें कोई बाहर से किसी को आके मारने की जरूरत कोई नहीं, ये अल्लाह के फजलो करम से अंदर ही बेशुमार लोग बैठे हैं जो कि काफी हैं। आज भी देखे इन्होंने उल्टे सीधे हरकतें कर दी हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी हैं, बिल्कुल करें, लेकिन
मार्केटें 6 बजे तक बंद करवा रहे हैं कि जनाब कोरोना 6 बजे तक फैलने जितना फैलना है, 6 बजे के बाद ना फैलने। कोरोना जो है सुबह से 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो उसने करना कर ले, 6 बजे के बाद ना हो। शादी हॉल्स पहले कहते थे इंडोर बंद करें, आउटडोर ठीक है। मतलब इंडोर कोरोना रहता है, बाहर कोरोना नहीं रहता। अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसीज, अजीबो गरीब किस्म के काम, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें। तो इसकी वजह से हमें दूसरे साल भी हमें कोविड की वजह से ये कंडीशन फेस करना पड़ रही है। खैर इसमें और डिबेट भी हो सकती है कि यूरोप में भी तो हो रहा है, यूरोप इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कर रहे हैं, स्टिल सफरिंग। बहरहाल जो मैंने आपको चाइनीज मॉडल बताना था कि इन्होंने अपना एडी को एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया, इसलिए दुनिया को, पूरी को, हमारे समेत पूरी दुनिया को चाइनीज गवर्नमेंट से सीखना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को चाइना को एक इकोनॉमिक मॉडल बनाकर उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, अब आप बताएं बिजनेस साइकिल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आया आप सबको कि नहीं आया? ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ये समझ आया कि नहीं आया? तो इसके 4 फेजेस हैं। तो इसके जो 4 फेजेस हैं उसमें एक है जहां ये चीजें पीक पे होती हैं, दूसरा फोर फेजेस है, एक जहां पे इकॉनमी अपनी पीक पे होती है, दूसरा जब इकॉनमी अपनी लोएस्ट लेवल पे होती है, और 2 फेजेस जब ये पीक से डाउन टर्न पे जाते हैं जब हालात खराब होना शुरू होते हैं, और दूसरा जब हालात ठीक होना शुरू होते हैं, रिवाइवल होते हैं या रिकवरी। ये अब 4 फेजेस यहाँ दिए हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना। इकॉनमी किस हालत में है, इकॉनमी किस स्टेज पे है, इकॉनमी किस फेज में है, इसको कहते हैं, इसको देखने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है, ग्रोथ एंड रिसेशन का मतलब होता है कि कब पता चलता है हमें कि ये इकॉनमी किस फेज पे है। वैसे अगर इमरान खान की स्पीच सुनी जाए तो वो कहता है कि अब हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ की तकरीर सुनी जाए तो वो कहता है कि हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं। जरदारी की स्पीच सुनी जाए वो कहता है हमारे दौर में इकॉनमी अच्छी थी, मुशरफ वो सबसे आगे होता है, वो कहता है सबसे इकॉनमी मेरे दौर में बेहतर थी। तो हर कोई ये कहेगा कि मेरे दौर में इकॉनमी बेहतर थी, मेरे दौर में इकॉनमी बेहतर थी, हर कोई यही कहेगा। कौन सच्चा है? चलें जी, इसका जवाब फिर आप मिलके ढूंढते हैं
हम आपको पढ़ा देते हैं सिम्टम्स। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं, एक डॉक्टर कहता जी आपके मुझे लगता है किडनी का मसला है, ये कहता नहीं 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 किडनी का नहीं, मेरे ख्याल से आपके लीवर का मसला है, ये कहता है नहीं बात बनी है इसके कार्डिक प्रॉब्लम है इसको, और ये कहता सर बात छोड़ो आप ब्लेडर गॉल ब्लेडर का काम करवाएं अपना रिमूव कर लें चीजें ठीक हो जाएंगी, कौन सच्चा होता है? बताइए कौन सच्चा होता है? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कहता है टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट रिपोर्ट की बेसिस पे वो बताएगा कि ये इशू किस पॉइंट पे आ रहा है, ये इशू दरअसल है कहां का। इसी तरह इकोनॉमी में कौन सच्चा था ये देखने के लिए हमें टेस्ट लगाना पड़ेगा, इकोनॉमी का टेस्ट। चले जी टेस्ट पढ़ते हैं, पहला लीडिंग इंडिकेटर्स, अगर तो इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, अगर ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस हाई है इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, ओवरऑल बिजनेसमैन का एक कॉन्फिडेंस हाई है इस वक्त, तो समझ आए इकॉनमी, इकॉनमी कहाँ है? ग्रोथ में है। और अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस शेकी है, डाउन है, स्केरी है, बिजनेसमैन स्केरी है, तो समझ आए इकॉनमी के हालात बैड है। अब बताएं जी क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात फिर इस सिम्टम के अतबार से क्या लगते हैं इस वक्त? चलें इसीलिए और सिम्टम देख लेते हैं ना सर, टेस्ट कोई एक थोड़ी होता है, फिर जी जी बिल्कुल देखते हैं ना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड टोटल जीडीपी, चेक करो ना मास्क का ब्रदर, मास्क का कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी तो चेक करो, आपका क्या ख्याल है कि मास्क इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी में कोई 20% कॉन्ट्रीब्यूट करती है? जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल फार्मास्यूटिकल ओवरऑल जो ड्रग्स इंडस्ट्री है मैं मानता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ड्रग इंडस्ट्री पूरी इकोनॉमी का अगर 20% होगा, इसीलिए देखना पड़ेगा ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस सर, ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस एवरेज ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। यस वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो। चले सेकंड देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग न्यू सेल ऑर्डर्स, अगर किसी मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स मिल रहे हो नए, स्टील इंडस्ट्री में ऑर्डर मिल रहा हो, सीमेंट इंडस्ट्री में ऑर्डर मिल रहा हो, टेक्सटाइल में ऑर्डर्स आ रहे हो, तो आपके ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नए ऑर्डर मिल रहे हों तो शो करता है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं।
ओके तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर नहीं मिल रहे, इंडस्ट्रीज क्लैप्स कर रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हों, न्यू बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसिंग, अगर हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस अलाउ हो रहे हैं, हाउसिंग इंडस्ट्री में परमिशंस मिल रही हैं, तो समझें एक घर बनने से 40 इंडस्ट्रीज में ऑर्डर जाते हैं, 40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो इफेक्ट होती हैं, याद रखिए एक घर बनने से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिल्डिंग हाउसिंग सोसाइटीज बनना शुरू हो जाएंगी तो ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हो, मनी सप्लाई। ठीक है सर, मजाक करने पे पाबंदी थोड़ी क्लास में, क्लास में मजाक करने पे कोई पाबंदी थोड़ी है, अभी भी कोई राजी है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, अभी भी कोई राजी है तो सर तो फिर कुलू वशरबु मिनहा रगदन हाइसु शीतुमा, कुरान कहता है खाओ पियो जहां से तुम्हारा दिल करता है। इसका मतलब इंसान को आजाद पैदा किया गया ना, चले आगे चलते हैं ना। मनी सप्लाई, अगर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, मनी सप्लाई फ्लुएंट है, स्पीडी है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रोइंग है, अगर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो ग्रोइंग नहीं है। नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, अगर लोग ज्यादा लोग जॉब्स में हैं, अगर ज्यादातर लोग जॉब में हैं तो समझ जाएं इकोनॉमी ग्रोइंग है, और अगर ज्यादातर लोग खस्ता हाल हैं तो समझ जाएं इकोनॉमी का हालात पड़े हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? अब ये वन बाय वन पढ़ते जाइएगा आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की हमें वज़ीर-ए-आज़म जितने भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म सारे, हमें उनकी तकरीरों की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क का की डायरेक्शन क्या है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमें हम खुद ही जज कर लेंगे हालात कैसे हैं, याद रखें। ओके अब देखें, अगर ज्यादातर लोग जॉब्स में हैं तो ठीक ग्रोइंग है, नहीं है तो फिर हम डिफॉल्ट में हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर इंडस्ट्रीज अपने पीक लेवल्स को अचीव कर रही हैं प्रोडक्शन में, अगर इकोनॉमीज इंडस्ट्रीज अपने जो टारगेट्स हैं प्रोडक्शन के वो अचीव कर रही हैं तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, नहीं कर रहे तो हम रिसेशन में। पर्सनल इनकम, अगर लोगों की पर्सनल इनकम इंक्रीज हो रही है, हाई है तो ग्रोइंग है, अगर पर्सनल इनकम ही लो है तो हम पुअर हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स, अगर इंडस्ट्रीज अपनी सेल्स के रिकॉर्ड को मीट कर रही हैं, टारगेट्स को मीट कर रहे हैं, अगर ट्रेडर्स अपने रेवेन्यू टारगेट एंड सेल टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो ग्रोइंग है वरना डिक्लाइनिंग है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर जनरल इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में है, यूजली 1-5% में, तो फिर हम ग्रोइंग हैं। और अगर ये डबल डिजिट में जा रहा है, इसका मतलब हम डिक्लाइनिंग में, रिसेशन में। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जरा गौर से सुनिएगा, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर एवरेज ड्यूरेशन ही बेरोजगारी का ज्यादा है, यानी कि इंसान जॉब छोड़ता है तो नई जॉब लेने में या नई जॉब मिलने में उसको बहुत टाइम लग रहा है, ज्यादा अर्थ है कि इसको बेरोजगार रहना पड़ता है, तो समझ जाए वो इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं है। लेकिन अगर एवरेज ड्यूरेशन कम है, लोग जॉब छोड़ते हैं और नई जॉब उनको फॉरन मिल जाती है, तो समझ जाए इकॉनमी ग्रोइंग है। इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो समझ जाए आपकी इकॉनमी के हालात खराब है। अगर आपने इंटरेस्ट रेट लो रखे हुए, इसका मतलब है कि आपकी इकॉनमी ग्रोइंग है, लोग बोरिंग कर रहे हैं। एवरेज इनकम, लोगों की पूरे पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी की अगर पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम हाई है, तो समझ जाए इकॉनमी ग्रोइंग है। और अगर एवरेज इनकम ही लो है, तो समझ लें कि इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा तो काम ही नहीं कर रहा, या उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। अब बताइए जी, ये तमाम इंडिकेटर्स देखने के बाद बताएं पाकिस्तान की इकॉनमी किस फेज में है, ग्रोइंग है या रिसेशन में है। बताइए जी, कह रहे अल्लाह ही चला आ रहे और सर अर्तुगल कहता है, अर्तुगल जब मंगोलों से जानती है ना, अर्तुगल का थोड़ा बहुत है ना आइडिया। अर्तुगल जब मंगोलों से लड़ता है ना, तो मंगोल जो होते हैं ना, मंगोलों का एक आता है लीडर सा, वो कहता है कि मैं जाकर वापस जाकर अपने जो भी उनका गेहूं तो आके गेहा तो की, जो उनका लीडर है मंगोलों का सबसे बड़ा चंगेज खान सॉरी, वो कहता है कि मैं चंगेज खान को बताऊंगा पार से उम्मीद और यकीन से लड़ता है। अर्तुगरुल को जिंदा रखने वाला उसका यकीन अल्लाह पे और उसकी उम्मीद है। पाकिस्तानी कौम की हालत भी मुझे लगता कुछ ऐसी है, हमें भी यही उम्मीद और यकीन चलाया जा रहा है। ये पाकिस्तानी कौम है ना, ये कई कबीले वाले आ रहा है इसका भी, इसको भी ये उम्मीद और यकीन ही चला रहा है कि भाई इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। देख ले, यकीन जिस किसी से पूछे ना यार हालात बड़े खराब हो गए, वो कहते यार जो किस्मत में लिखा हुआ तो मिलना ही, वो अल्लाह ने जो रिस्क लिखा हुआ वो तो मिल ही जाना, वो अल्लाह ने करना। ये हमारा जो अल्लाह पे ईमान और यकीन और उम्मीद है यही है, वरना हमारी हुकूमतें जो हैं, हाँ हमारी हुकूमतें किसी चंगेज खान से कम तो नहीं है, ये हमारी जो कैबिनेट होती है हुकूमतों के अंदर, ये मंगोलों से कम तो नहीं, क्यों जी क्या समझते हैं? हमारी जो पूरी गवर्नमेंट एलीट जितनी भी है सारी की सारी, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीटीआई गवर्नमेंट, पीटीआई के 90% लोग तो नून लीग के हैं, और नून लीग के 90% उसके हैं पीपल्स पार्टी के, पीपल पार्टी के 90% लोग मुशर्रफ के हैं,
मुशर्रफ के 90% लोग नून लीग के थे, नून लीग के 90% लोग पीटीआई में हैं। इसका मतलब 90% लोग हमेशा ही कॉमन है। सर करंट अफेयर्स पे भी नजर रखा करें ना, इकोनॉमी अच्छी समझने के लिए करंट अफेयर्स का पता होना बड़ा जरूरी है, और करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमिक्स का पता होना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप कभी तवज्जो से देखें तो ये पाकिस्तान में को 90% जो है वो इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स समझते हैं, इलेक्टेबल्स ये वो लोग होते हैं जो हर हाल में जीत जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, इनके अपने इलाके हैं, इनके अपनी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनकी अपनी अपनी इनके इफेक्ट्स होते हैं इकॉनमी अपने एरियाज में। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 90% जो हमारे जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं इनके 90% लोग कॉमन है हर गवर्नमेंट के लिए, इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये पूरे मंगोलों की तरह हमारे ऊपर सर पर सवार हैं, बस हम लोग कायक बिल्ले की तरह अल्लाह की उम्मीद के सहारे चलते जा रहे हैं। आप देखे ना कायक बिल्ले के हालत देखे थे कभी, खैमों में रहने वाले लोग, और लड़ते किससे, वो बड़े बड़े कोलू जहाज, कोलू जहाज हार और क्या बड़े बड़े उनके जो किले होते हैं उनके साथ जाके वो लड़ते हैं। हम भी यकीन जानिए कई किले की तरह की आवाम है और मंगोलों से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है, हमें भी यही उम्मीद जिंदा रखती है। ये ग्रोथ के कॉस्ट और एडवांटेज हमने शुरू पढ़ लिए थे। अच्छा अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी आज का लास्ट टॉपिक, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट अल्टीमेटली जिम्मेदार है इकोनॉमी की ग्रोथ और रिसेशन की, याद रख लें हमेशा किसी भी कंट्री की ग्रोथ और रिसेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होती है, स्टेट पे होती है। वो ग्रोथ और रिसेशन को मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी बनाती है जिसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी असल में गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बारे में है, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स याद रखें। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर के थ्रू इकॉनमी की ग्रोथ को मेंटेन करती है। ये दो तरह की होती है, एक बुरे हालात में, सॉरी दोनों ही बुरे हालात होते हैं, एक होते हैं इन्फ्लेशनरी हालात कि जिसमें इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है, एडी बहुत हाई होता है, डिमांड बहुत हाई होती है और गवर्नमेंट नीड टू कंट्रोल एडी, और एक जब एडी बहुत, आपको याद है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स याद है आपको? हेलो, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स याद है आपको? इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशन गैप्स के अंदर आपको याद होना चाहिए जब एडी बहुत हाई होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है, एडी बहुत लो होता है तो डिफ्लेशनरी गैप होता है, पीक भी अच्छी नहीं होती इकोनॉमी की, डिप्रेशन भी अच्छा नहीं होता इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कभी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, कभी कॉन्ट्रैक्शनरी, कभी इकोनॉमी को श्रिंक करना जरूरी होता है, कभी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना। मेरे वर्ड याद रखिएगा, एमसीक्यूज के अंदर हेल्प करेंगे मैं। कभी इकॉनमी को एक्सपेंड करना जरूरी होता है और कभी इकॉनमी को श्रिंक करना जरूरी होता है।
एक्सपेंड करने के लिए, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए टैक्स कम किए जाएंगे और एक्सपेंडिचर बढ़ाए जाएंगे, और श्रिंक करने के लिए टैक्स ऐड किए जाएंगे और एक्सपेंडिचर्स कम किए जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में टैक्स ज्यादा सॉरी कम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा किए जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी पहले स्लो होती है, उसकी स्पीड अप करने के लिए टैक्स कम करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी पहले ही बहुत पीक पे है, स्लो डाउन करना है, तो टैक्स इंपोज करो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने कम करो। चार इसके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ फिस्कल पॉलिसी के लिए। एक, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। एक, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करना। एक, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना। और एक, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करना। और एक, बैलेंस बजट इंट्रोड्यूस करना। ये पांच बुनियादी मकासिद होते हैं, फाइव बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी बनाने के। अब देखिए ना, अगर आप एडी कंट्रोल करते हैं, चलें बताइए जी, जरा मुझे रिप्लाई करें, एडी को कंट्रोल करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा? एडी को कंट्रोल करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है? और एडी के अंदर जी और टी होता है? इसका मतलब जी और टी के जरिए आप एडी कंट्रोल कर सकते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप एडी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाएगी। और अगर आप एडी को जंप लगवाते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अगर आप एडी को कंट्रोल करते हैं तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल होता कि नहीं होता? याद होगा एडी की इक्वेशन क्या थी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कौन बताएगा एडी की इक्वेशन क्या थी? एडी की इक्वेशन क्या थी जी, बताएं। एडी के इक्वेशन लिखो जी, शाबाश, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब ट्रेड, एडी कंट्रोल करने से ट्रेड भी कंट्रोल होगी, और अगर गवर्नमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम कंट्रोल करेगी तो बजट भी बैलेंस दिया जाएगा। समझ आए ऑब्जेक्टिव्स? लेकिन फिस्कल पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ जगहों पर जाकर फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। फोरकास्टिंग इशू, सर फ्यूचर देखना, फ्यूचर को देखना, आने वाले हालात को, क्या किसी ने 2019 के अगस्त सितंबर तक सोचा था कोरोना भी आएगा कुछ? किसी ने तसव्वुर किया था कि कभी ऐसा भी होगा जो आजकल हो रहा है हमारे साथ? और आपको लगता है कि ये महीने दो महीने में चीजें सेटल हो जाएंगी? आपको लगता है कि महीने दो महीने में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? क्यों सर,
नहीं, आप जो बताया ना करंट सिचुएशन के मुताबिक, आप लोग समझते हैं कि ये 11 तारीख से स्कूल कॉलेज ओपन हो जाएंगे सारे? नहीं सर, होप नहीं, मैं स्टैट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, स्टैट्स, मीडिया का मूड, मीडिया का मूड, स्टैट्स, गवर्नमेंट के बयानात। 11 सर पे आ गई सर 11 सर पे आ गई। 5 तारीख से तो इन्होंने ऑनवर्ड शादियों पे बैन किया है, वेडिंग फंक्शंस 5 तारीख से बंद किए। चीजें नॉर्मल होने में इट विल टेक सम टाइम नाउ। जी मैं तो बिल्कुल मंसूर साहब से एग्री करूंगा 1000 times के वी आर सफरिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल कोविड। बस मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, बट आई डू बिलीव दैट इट इज टू सम एक्सटेंट इसमें पॉलिटिकल मैटर भी है, बिल्कुल पॉलिटिकल फैक्टर भी डेफिनेटली है इसके अंदर। ओके जी, फोरकास्टिंग का बड़ा मसला है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और समटाइम उसके अकॉर्डिंग आउटकम्स नहीं आते, गवर्नमेंट एंटिसिपेट करके पॉलिसी बनाती है और समटाइम चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, टाइम लैग। याद रख लीजिए इकोनॉमिक्स में टाइम लैग जो होता है ना सर, ये पॉलिसी एक्शन लिखना तो लिख लीजिएगा बट आप माइंड में रखिएगा एटलीस्ट, इकोनॉमिक्स में टाइम लैग बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम लैग का मतलब होता है द गैप बिटवीन पॉलिसी एक्शन एंड इट्स आउटकम। आज जो फैसले किए जाएंगे इसका इंपैक्ट कल आ जाएगा, मैक्रो लेवल पे जो फैसले आज किए जाएंगे उसका इंपैक्ट कल आ जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी का आउटकम विल टेक सम टाइम और नॉट। तो अगर गवर्नमेंट तवज्जो से बात सुन के जवाब दे, अगर गवर्नमेंट आज फैसला करे उसका रिजल्ट आने में विल टेक सम टाइम, तो मीन वाइल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी का यू टर्न ले ले और एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दे, फिर उसके दरमियान एक यू टर्न लेके फिर नई पॉलिसी लॉन्च कर दे, आपका क्या हाल है? रिजल्ट अच्छे आएंगे? ये और बुरे हो जाएंगे। क्राउडिंग आउट, सबसे टेक्निकल सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्राउडिंग आउट। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने लगा हूं। क्राउड आउट सर, मेट्रो लाहौर में मेट्रो बस देखी आप लोगों ने? सुना हुआ कम से कम, देखी सुनी होगी मेट्रो बस। 24 किलोमीटर का ये ट्रैक है गजुमता से शाहदरा, और ये बड़े बिजिएस्ट रोड के ऊपर बनाई गई थी, आपको शायद पता होगा, बड़ा ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट इन लाहौर, फिरोजपुर रोड है। आइडिया आइडिया है सर? तो जब इस रूट पे मेट्रो बस चलाई गई तो इसके जो लेफ्ट राइट पर रोड थी
उसके अंदर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर थे वो इनकरेज हुए होंगे या डिस्करेज? डिस्करेज, इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ऐड किए और प्राइवेट इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट निकाल ली, अग्रीड? गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च करके एक्सपेंडिचर ऐड किया, लोगों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद कर दी कि फायदा ही कोई नहीं चलने का, तो क्या फायदा होगा? एडी के अंदर जी भी है और आई भी है, जी ऐड हुआ, आई सब्ट्रैक्ट हो गया, एडी वहीं का वहीं नहीं रह जाएगा? जब एडी ऐड करने के लिए आपने जी ऐड किया, उधर आई माइनस हो गया, तो एडी वहीं का वहीं नहीं आ जाएगा जहां था? एग्जैक्टली, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर कोई फायदा नहीं होता इस तरह। तो सम टाइम फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है क्राउडिंग आउट की वजह से। इसके लिए गवर्नमेंट को पैरेलल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर से प्राइवेट इन्वेस्टर डिस्करेज हो रहा हो, तो पैरेलल इन प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। ओके, उसके बाद है टैक्स। बाज औकात टैक्स गवर्नमेंट को फायदा देते हैं, लेकिन बाज टैक्सेस इकोनॉमी का सत्यानाश कर देते हैं, याद रख लें। तो टैक्स अगर सही तरीके से ना लगाया जाए तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने की बजाय, इकोनॉमी को बेहतर करने की बजाय डीमोटिवेट भी कर देता है। टैक्स अगर सेंसिबली अप्लाई ना किया जाए, टैक्स अगर रैशनली इंपोज ना किया जाए, अगर टैक्सेस को मिसप्ले कर दिया जाए, तो याद रख लें इट कॉज अ डीमोटिवेशनल फैक्टर फॉर इकोनॉमी, इट कैन डिस्करेज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अगले दो कौन आपने 2.4 और 2.5 ये खुद पढ़ने हैं। कल इंशाल्लाह ताला जब हम आएंगे तो टैक्सेस, प्रिंसिपल्स, टाइप्स, इन चीजों को पढ़ेंगे। ओके जी, टेक केयर जी।